माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में जो कदम उठाए, किसान के जानवर का ये खुरपा रोग एफएमडी रोग से जो नुकसान होता उसकी भरपाई कोई दूसरा नहीं कर पाता, 30% से 40% की कमी आ जाती एक जानवर के आमदनी से यानी दूध उत्पादन से, और देश का मानना है कि 30 से 40 हजार करोड़ का ये एफएमडी रोग से खुरपा रोग से होता। ये पूरे सेंटर सेक्टर का स्कीम होगा प्रधानमंत्री के द्वारा, हर जानवर को पीपीआर की वैक्सीन और एफएमडी की वैक्सीन और एक और रोग है वो जानलेवा रोग है ब्रुसेलोसिस, उस रोग का एक तरह से मैं समझता हूं कि किसानों को कम से कम इसका वैक्सीन करने से 30 से 40 हजार करोड़ का फायदा देश में होगा। दूसरा, उन्होंने शॉर्टेज सैक सीमन का जो हापुड़ के पास बाबूगढ़ है वहां जो बनेगा शॉर्टेज सैक सीमन, ये 90% बछिया पैदा होगी तो किसानों की ताकत बढ़ेगी। अगर 1 करोड़ डोज हम किसान पूरे सेंटर सेक्टर का स्कीम होगा प्रधानमंत्री के द्वारा, हर जानवर को पीपीआर की वैक्सीन और एफएमडी की वैक्सीन और एक और रोग है वो जानलेवा रोग है ब्रुसेलोसिस, उस रोग का एक तरह से मैं समझता हूं कि किसानों को कम से कम इसका वैक्सीन करने से 30 से 40 हजार करोड़ का फायदा देश में होगा। दूसरा, उन्होंने शॉर्टेज सैक सीमन का जो हापुड़ के पास बाबूगढ़ है वहां जो बनेगा शॉर्टेज सैक सीमन, ये 90% बछिया पैदा होगी तो किसानों की ताकत बढ़ेगी। अगर 1 करोड़ डोज हम किसानों को देते हैं तो 1.25 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने पहली बार जानवरों की दिक्कतों को समझा, किसानों के हित में। पहले भी उन्होंने 6,000 रुपया देकर के प्रति किसान जो खेत बुआई के समय खाद और बीज के लिए, और दूसरा बहुत बड़ा ये कदम है रोगों के निदान के लिए जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। ये देश के ऊपर बहुत बड़ा किसानों के लिए एक लाभकारी स्कीम होगा। प्रधानमंत्री को कोटि सर धन्यवाद।